भेजने के नाम पर हजारों नागपुर वासियों से सैकड़ों का जुर्माना शास्ति वसूला जाता है, उनमें समय से पहले घर पहुंच डिमांड नहीं मिलती। संपत्ति कर वसूली की जिम्मेदारी दो कंपनियों को दी गई थी, साइबर टेक के पास सर्वेक्षण करे और अनंत टेक्नोलॉजी के पास डिमांड घर पहुंच देने का काम था। साइबर टेक को 6.75 करोड़ का ठेका होने के बावजूद 9 करोड़ की निधि दी गई, इसमें 1.39 करोड़ रुपए रोक कर रखे गए हैं। सिर्फ गांधीबाग जोन का विचार करें तो 30.280 संपत्ति है, 25,906 संपत्ति धारकों को डिमांड पर दी गई है। कर विभाग के ऊपर हमने प्रेस ली है, कम से कम जो यानी 60-70 हज़ार डिमांड शहर में बांटी नहीं गई कर विभाग की, और जिनको डिमांड नहीं मिली उनके उनसे गलत तरीके से उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है, ध्यान में आया। मेरी प्रशासन से एक ही मांग है कि जिनको आज तक 2 साल से डिमांड नहीं मिली उनसे उन्होंने शास्ति नहीं लेनी चाहिए, और ली होगी गलत तरीके से तो एक तो वापस करनी चाहिए या उनके टैक्स में एडजस्ट करनी चाहिए। और शहर में सारे यानी इस विषय में गलत तरीके से सब काम चल रहा है, उस दो कंपनियों को ये काम दिया था, साइबर टेक और अनंत टेक्नोलॉजी, उन दोनों ने ये काम ढंग से नहीं किया, इसके कारण नागरिकों को तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ होने के कारण से महानगर पालिका के रेवेन्यू पे भी प्रॉब्लम आ रहा है और नागरिकों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मेरी आपके माध्यम से प्रशासक जी से विनती है, माननीय आयुक्त साहब से विनती है कि टैक्स विभाग के कामकाज पर उन्होंने एक बार सारा ध्यान देना चाहिए, वहाँ उनके अधिकारी हैं माननीय मिलिंद मेश्राम जी, उन्होंने भी इस पर ध्यान देना चाहिए, और जो तकलीफ नागरिकों को हो रही है तुरंत दूर करनी चाहिए। उसके साथ टैक्स विभाग हो, पानी विभाग हो या बाज़ार विभाग हो, इनमें गलत तरीके से पानी का बिल वसूल करना, पानी के बिल के इसमें कॉन्ट्रैक्ट है कि हर महीने का बिल आना चाहिए, हर महीने का, वो गए 10 साल से आया नहीं, उस विषय में भी माननीय आयुक्त महोदय ने ध्यान देना चाहिए। 2012-13 में अपना कायदा बदला है, अपन CNC एक्ट से MMC एक्ट में आए, तब बाज़ार विभाग का जो किराया निकालना था उसकी पद्धति चेंज हुई है, वो पद्धति चेंज होने के कारण बहुत ज़्यादा किराया उन दुकानदारों पर आया है, उसके कारण शास्ति बढ़ी है। बीच में कोरोना का समय था 2 साल, उसके कारण उनके व्यवसाय नहीं हो पाए थे, तो वहाँ किराया से ज़्यादा शास्ति हो गई है। तो इस कारण इन तीनों विभाग में माननीय प्रशासक महोदय को हमारी विनती है कि पानी, कर और बाज़ार विभाग, इसकी शास्ति 100% माफ़ करने की एमनेस्टी स्कीम उन्होंने लानी चाहिए। हम हमारे नेता माननीय उपमुख्यमंत्री माननीय पालक मंत्री, इनसे भी हम विनती करेंगे, हमें विश्वास है कि वो जनता की बात जरूर सुनेंगे और वो भी आदेश देंगे, लेकिन प्रशासक ने सुमोटो इन तीनों विभागों पर ध्यान देकर, जहाँ अड़चन में नागरिक है, नियम से टैक्स वसूली, पानी का बिल वसूली या बाज़ार का किराया वसूली होगा तो ठीक है, लेकिन बहुत अन्यायकारक शास्ति इस पर लग रही है और वो भरने के इसमें वो सारे लोग नहीं है, तो नागपुर के जनता को रिलीफ देने के लिए माननीय प्रशासक महोदय ने, माननीय आयुक्त महोदय ने इन तीनों डिपार्टमेंट में एक एमनेस्टी की स्कीम लाकर पिछले 2-3 साल का शास्ति का अमाउंट इन्होंने माफ़ करना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। यह मांग हम माननीय हमारे पालक मंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री जी के सामने भी रखेंगे। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।